हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके साथ एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करने जा रही हूँ जिसे यूज करने के बाद आपके बालों की जितनी समस्याएं हैं सबको दूर करेगा। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो झड़ना बंद हो जाएगा, बढ़ते नहीं हैं तो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको गंजेपन की शिकायत है आपके स्कैल्प पर, यहाँ पर कहीं पर भी अगर बाल उड़ गए हैं तो आपकी रीग्रोथ करने में आपको हेल्प करेगा। मैं लेके आया हूँ एक ऑनियन जेल जिसे आप लगाकर अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, हेयर फॉल को रोक सकते हैं, गंजेपन की शिकायत को दूर कर सकते हैं। अगर आपको गंजेपन की शिकायत है तो इस जेल को आप अपनी स्कैल्प पर मसाज करें तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से बनाना है ऑनियन जेल। आपको मैं बताऊंगी ऑनियन के गुणों के साथ कि आपको किस तरह से ये होममेड जेल बनाना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, हमें ऑनियन जेल बनाने के लिए चाहिए एक ऑनियन। ये मैंने ग्रेट की ही ऑनियन रखी हुई है। इससे पहले मैं आपको प्याज के गुणों के बारे में बताती हूँ। प्याज के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन B6, कैल्शियम एंड बी कॉम्प्लेक्स, आयरन एंड पोटेशियम जैसे गुण पाए जाते हैं। प्याज को एंटी एलर्जिक, एंटी ऑक्सीडेंट और प्याज के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है और प्याज एक सल्फ्यूरिक कंपाउंड का खजाना माना जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है और हमारे गंजेपन, आपके ग्रोथ रुकती है तो उसको भी आपको हेल्प करता है ग्रोथ, रीग्रोथ आने के लिए। अगर आपके बाल बढ़ नहीं रहे तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है। बालों की जितनी समस्याएं होती है उन सब को दूर करता है। इसके बारे में तो पहले भी आपने कई बार सुना होगा। तो इन गुणों के साथ जब हम प्याज को अपने बालों में यूज करते हैं तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो बढ़ते हैं किस तरह से हमें बनाना है अपना प्याज का जेल। ये मैंने ग्रेट की हुई ऑनियन रखी है, इसको मैं स्टेनर में डाल के अभी स्टेन कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये जूस निकल आया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हल्का सा जिंजर भी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, थोड़ा सा जिंजर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, कुछ ड्रॉप ऑफ। ये देखिए इसके अंदर जिंजर का जूस भी ऐड कर दिया है और इसमें मैं डालूंगी अभी एक स्पून कोकोनट ऑयल। ये देखिए इसमें एक स्पून मैंने डाला है कोकोनट ऑयल और कुछ ड्रॉप ऑफ आप डाल सकते हैं विटामिन ई का ऑयल भी डाल सकते हैं और आप कैप्सूल का यूज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा एक कैप्सूल यूज कर लिया है, एक कैप्सूल मैंने यूज किया है इसके अंदर एंड कोकोनट ऑयल, और ये इन सब को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से अच्छे से इसको आप ब्लेंड कर लें। और ब्लेंड करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर ये एलोवेरा जेल जो हमारे इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करने में हेल्प करेगा। इसको इस तरह से आप मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से ब्लेंड होने के बाद ये प्योर व्हाइट फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका जेल रेडी हो गया है। इसको आप फ्रिज में रखकर 15 डेज तक आप यूज कर सकते हैं। इसको इसका बनाकर इसके अपने बालों में लगाइए और अपने बालों को बनाइए एकदम हेल्दी स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से आपका ये ऑनियन जेल बनकर रेडी हो गया है। आप व्हाइट ऑनियन का यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। वैसे आप कोई भी ऑनियन यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने बालों में रूट टू टिप लगाएं। अगर आपको हेयर फॉल है तो आप इसको रूट्स में लगाएं। अगर आपको गंजेपन की शिकायत है तो इसी तरह अपने फिंगर्स में लगा करके इस तरह से अपने स्कैल्प पर अच्छे से 2 से 3 मिनट
मसाज करें तो आपको देखेंगे कि आप रीग्रोथ आपको आने लगेगी आपका, अगर आपको गंजेपन की शिकायत है, अगर आपको हेयर फॉल है या हेयर डैमेज है, किसी तरह का डैमेज हेयर्स में है, तो आप उसको रूट टू टिप लगाएं और अच्छे से मसाज करें और 2 से 3 घंटे रखें, कम से कम आप इसको 1 घंटा रखें। और नॉर्मल जैसे अपने आप हेयर्स को वॉश करते हैं शैम्पू से, उस तरह से शैम्पू से अपने हेयर्स को वॉश करें। आप इसको हफ्ते में 2 बारी लगाएं और आप इसको 15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। और 15 दिन के बाद अगर आपको अच्छा इफेक्ट लगता है तो उसको दोबारा बना करके फिर से 15 दिन फ्रिज में बना कर रखें और इसको यूज करते रहें, तो आप देखेंगे आपके बालों की जितनी समस्याएं। इस जेल को यूज करने के बाद आपको कितना फर्क आपको पड़ा वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करिए।